कल मुझे मेरे एक दोस्त ने कॉल किया। वो बहुत परेशान था, कहता है यार मैं रेस में हार गया। कहता है कि मेरे पास पोमा के शूज है, एडिडास के स्पोर्ट्स वियर्स है, मैंने रेसिंग के बारे में कितना कुछ पढ़ रखा है, कितनी नॉलेज है, दुनिया के बेस्ट रनर्स के बारे में पढ़ा, इनकी रनिंग देखी, फिर भी मैं हार गया। मैंने इससे एक ही क्वेश्चन पूछा कि ये सब तूने जान तो लिया, लेकिन पिछले एक साल से तूने रनिंग की प्रैक्टिस करी। हम में से बहुत से लोगों के साथ यही होता है। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश के रूल्स तो समझ आते हैं, ग्रामर रूल्स समझ आते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं पूरी समझ आती है, इंग्लिश का कोई आर्टिकल पढ़ते हैं मीनिंग पूरा क्लियर है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो फ्लुएंटली बोल नहीं पाते, क्योंकि सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी होती, सही स्टेप्स नहीं उठाए होते। इसलिए आज की ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं पांच ऐसे टिप्स, पांच ऐसे तरीके जिससे आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाओगे। लेकिन इससे पहले ये जानते हैं कि इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। अगर आपको नौकरी करना है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फॉरेन कंट्री जाना है, या ऑनलाइन बिजनेस करना है, या इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ अपने 3 साल का एक्सपीरियंस इन पांचों टिप्स में शेयर करूंगा, और इनमें जो लास्ट वाला टिप्स है इसको बिल्कुल ही मिस मत करना, क्योंकि इससे मैंने खुद अपने इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव किया है। तो शुरू करते हैं पहले टिप्स से। इंग्लिश में सोचो आज क्या करना है, किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि सोकेट्स ने कहा था द माइंड इज एवरीथिंग यू बिकम व्हाट यू थिंक, यानी जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। यही चीज अगर हम याद रखें जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हर वक्त कोई थॉट्स चल रहा होता है, सुबह उठने से लेकर रात तक हम सोचते रहते हैं, यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये गाड़ी अब यही कड़ी थी कहाँ चली गई, आज 4 बजे बजने वाले हैं, मैं क्या करूं, मेरा कितना सिलेबस रह गया, कुछ ना कुछ माइंड में हमेशा चल रहा होता है। लेकिन ये जो चल रहा है ये हमारी मदर टंग में या फिर उर्दू में चल रहा होता है। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये जो माइंड की थिंकिंग है, जो थॉट्स है, इनको इंग्लिश में सोचना शुरू करो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। फॉर एग्जांपल अभी आप इसी वक्त जो भी सोच रहे हो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो ना, या फिर सुबह उठते हो और जब सोचते हो यार आज क्या करना है, क्या प्लान्स है, इसको इंग्लिश में सोचो, क्या खाना है, अभी बाहर कहाँ जाना है, आज मुझे कौन कौन से काम करने हैं, जो भी आपके थॉट्स है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो। इसका फायदा क्या होगा कि अभी जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम लोग उर्दू में सोचते हैं और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी फ्लुएंसी नहीं आती। जब आप ये चीज करते जाओगे, आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे व्हेन यू थिंक इन इंग्लिश, तो इसके बाद हफ्ता 10 दिन 12 दिन बाद आप फील करोगे कि आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज हो गई, आपको सोचना नहीं पड़ रहा, ट्रांसलेट करना नहीं पड़ रहा, आप इंग्लिश में सोच रहे हो और जल्दी डिलीवर कर पाते हो, बेटर बोल पाते हो। और इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसकी प्रैक्टिस कभी भी कहीं भी कर सकते हो। और अगला जो टिप्स बताने वाला हूँ, ना सिर्फ आप इससे इंग्लिश सीख सकोगे बल्कि उससे अच्छी तरीके से इंग्लिश भी बोल पाओगे। दोस्तों इंग्लिश बोलते वक्त हमेशा 2 प्रॉब्लम्स होती है, एक क्या बोले, दूसरा कैसे बोले। अगर आप ये चीज ट्राई करोगे रीड आउट लाउड, अगर आप एक इंग्लिश की बुक पकड़ते हो और जो लिखा है इसको जोर जोर से बोलना शुरू कर देते हो, तो इससे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको ये टेंशन फिर नहीं होता कि क्या बोलना है क्योंकि आपके सामने है, कैसे बोलना है क्योंकि आपके सामने टेक्स्ट है, आपको उसको लाउडली पढ़ना है।
तो आप कोई भी बुक उठा सकते हो और इसको जोर जोर से पढ़ने की कोशिश करो। दोस्तों याद है बचपन में जब हमने लिखना शुरू किया था तो कैसे हमारा हाथ पकड़ के हमसे लिखवाया जाता था, हमारी फिंगर को पूरी प्रैक्टिस करवा के हमने लिखना सीखा। इसी तरह से जब आप किसी बुक को या किसी भी इंग्लिश के टेक्स्ट को लाउडली बोलते हो तो आप अपने लिप्स को, अपनी टंग को, अपनी वॉइस को और अपने गले को इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करवाते हो और इसको इससे कंफर्टेबल कराते हो। आप कोई भी इंटरनेट पे आर्टिकल उठा सकते हो, कोई टेक्स्ट उठा सकते हो, बुक उठा सकते हो, न्यूज़पेपर्स उठा सकते हो, लेकिन हर रोज 15 टू 20 मिनट इस चीज को ट्राई करो। इंग्लिश के किसी टेक्स्ट को लाउडली बोल के देखो। ऐसा लाउडली बोलने से आपको चार फायदे होंगे। पहला कि आपको इंग्लिश बोलने में क्लैरिटी आएगी, आप अपनी टंग को, अपने वॉइस और अपने गले को एक हैबिट डाल पाओगे। दूसरा, बहुत सारे वर्ड्स की साउंड आपको क्लियर होंगे। जब आप लाउडली बोलोगे फिर आप वापस सुनोगे तो आपको साउंड की क्लैरिटी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आपको पता है आप हर रोज 15 टू 20 मिनट्स इंग्लिश बोल रहे हो और इंग्लिश के कई सारे कंपोनेंट्स आपको पता चलेगा। कैसे लाइन लिखी गई, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, पॉज कहाँ था, फुल स्टॉप कहाँ था, कैसे किसी लाइन को तोड़ा गया, कैसे सब्जेक्ट पहले आया, ऑब्जेक्ट बाद में आया, जो भी रूल्स है इनकी भी आपको क्लैरिटी होती जाएगी, रिवीजन होती जाएगी। और अगला जो टिप बताने वाला हूँ, ना सिर्फ आप उससे इंग्लिश बोलोगे बल्कि मैं आपसे खुद इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा। अब आती है बारी जेम की, जो आपको एक मिनट में इंग्लिश बोलना सिखा सकता है। ये वाला जेम नहीं, जेम मतलब जस्ट अ मिनट। इस इंटरेस्टिंग गेम में ना सबसे पहले आपको कोई एक टॉपिक लेना है, वो टॉपिक कोई भी हो सकता है, कोई फिल्म पर्सनैलिटी, कोई स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, कोई पॉलिटिकल करंट अफेयर्स, आपके लाइफ का एक्सपीरियंस, कोई इंसिडेंट्स लोकल इंटरनेशनल, कोई एक टॉपिक आप ले सकते हो। आप चाहो तो चिट्स बना सकते हो, कई सारे चिट्स बना सकते हैं अलग अलग टॉपिक्स की, और कोई एक चिट आप उठा सकते हो। अब जो टॉपिक आया उसके ऊपर इंग्लिश में आपको वन मिनट तक बोलना है। ग्रामर की परवाह नहीं करनी, आपको स्ट्रक्चर की परवाह नहीं करनी, सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, इस चीज की बिल्कुल परवाह नहीं करनी। एक मिनट तक नॉन स्टॉप आपको बोलना है और कोई भी रिपीट नहीं करनी, सो देट आप मैक्सिमम सोच पाओ, मैक्सिमम बोल पाओ। आप चाहो तो अभी इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ कर सकते हो। अगर सच में इंग्लिश सीखनी है ना तो सही टाइम अभी है, अभी ट्राई करते हैं ना, अभी प्रैक्टिस करते हैं। भाग मत जाना, हार मत मान लेना, छोड़ मत जाना। स्क्रीन पे टाइमर आएगा और इन टॉपिक्स में से आप कोई एक टॉपिक चूज कर सकते हो। और भी बढ़िया होगा अगर फोन का रिकॉर्डर भी ऑन कर लोगे। एक मिनट तक इन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक्स चूज करके आपको नॉन स्टॉप वन मिनट बोलना है। बोलना है, मन में नहीं बोलना, लाउडली बोलना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको एक मिनट तक बोलना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। अब मुझे ना पूरा कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं आपने गलत इंग्लिश बोली होगी, विच इज एब्सोल्युटली ओके। अब आप याद करो कि कहाँ इम्प्रूवमेंट करी जा सकती थी, कहाँ आप रुक रहे थे, कहाँ आप अड़ रहे थे, कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा था, कैसे आप बेटर इस वन मिनट की स्पीच को डिलीवर कर सकते हो।
अगर आपने रिकॉर्डिंग करी है तो बहुत ही अच्छा है, आप उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हो और अपने एरर को एनालाइज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा उसी टॉपिक पे फिर से आपको 1 मिनट के लिए बोलना है और इस बार आपको पता है क्या चीजें आपको इम्प्रूव करनी है, और इसके बाद फिर कुछ घंटों बाद आप फिर दिन में एक बार टाइम निकाल के उसी टॉपिक पे फिर से 1 मिनट के लिए बोल के देखो। ऐसा करने से आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे, अपनी हेजिटेशन को रिमूव कर पाओगे, कई सारे चीजें डिटेल में एनालाइज कर पाओगे और आप अपने कॉन्फिडेंस, अपने फ्लुएंसी को इनक्रीज कर पाओगे। आप मेरे कहने पे इसको करके तो देखो, बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। ट्राई टू 7 डेज फॉर 8 डेज, आप खुद इम्प्रूवमेंट फील करोगे और इस वीडियो के नीचे आके कमेंट में मुझे बताओगे कि इम्प्रूवमेंट आई। और अगला जो टिप बताने वाला हूँ उसको बिल्कुल ही मिस मत कर देना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब इंग्लिश सीखने में जो इंसान आपकी हेल्प करने वाला है वो आपका फेवरेट है। मैं बात कर रहा हूँ आपकी, ये 4 पॉइंट में आप खुद अपनी बेस्ट हेल्प करने वाले हो। इंग्लिश सीखने में हमने समझा कि हम लवली बोल सकते हैं बुक में से पढ़ के, हमने समझा कि हम जस्ट अ मिनट कर सकते हैं, 1 मिनट की स्पीच दे सकते हैं, हमने समझा कि हम इंग्लिश में सोच सकते हैं। ये जो 4 टिप है, आप में से कई लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। 4 टिप बहुत पावरफुल हो सकती है। दिस इज टॉक टू यूर सेल्फ, मतलब खुद के साथ बात करना, कन्वर्सेशन करना। शीशे के सामने खड़े हो सकते हो, मिरर के आगे खड़े हो सकते हो और कुछ क्वेश्चन खुद से पूछ सकते हो। इस तरह से बात करनी है जैसे 2 लोग बात करते हैं। गोल्स के बारे में पूछ सकते हो, ड्रीम्स के बारे में पूछ सकते हो, कैसा रहा दिन, क्या प्लान्स है, आजकल क्या नया है, ये सारी कन्वर्सेशन खुद के साथ मिरर में कर सकते हो। लेकिन इससे होगा क्या, जब आप मिरर के सामने खड़े हो के खुद से इंटरेक्ट करते हो, क्वेश्चन आंसर करते हो, तो एक आपकी प्रैक्टिस होती है। कल को यही क्वेश्चन जब आप बाहर जाके किसी और के साथ डिस्कस करते हो तो आपके पास आंसर्स होते हैं, आप पूछने में कॉन्फिडेंस होते हो, आपकी प्रैक्टिस होती है। सेकंड, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देख पाते हो, आपकी हैंड मूवमेंट कैसी है, आप डीले डाले बोल रहे हो या एक्टिवली बोल रहे हो, आपके चेहरे पे बोलते वक्त एनर्जी है, स्माइल है, ये सारे चीजें आप साथ में एनालाइज कर पाते हो। 5-10 मिनट हर रोज खुद के साथ मिरर में कन्वर्सेशन करके देखो और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की फ्लुएंसी को इंक्रीज करते जाओ। और अगला जो टिप बताने वाला हूँ, अगर वो तुम मिस कर देते हो तो भाई इंग्लिश बोलना भूल जाओ। एक समय एक कछुआ था और एक खरगोश था और दोनों ने नो, वंस देयर वाज अ टॉर्टोइस एंड देयर वाज अ रैबिट, ही बोथ डिसाइडेड अ रेस। आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक उर्दू स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। यही चीज आपको करनी है, आपकी रीजनल लैंग्वेज उर्दू, हिंदी, पंजाबी, मराठी कई स्टोरीज होंगी, नेशनल लैंग्वेज उर्दू की कई स्टोरीज आपने बचपन से सुनी होगी, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखो। इसको तैयार करो कि कैसे आप इंग्लिश में बोलोगे, कैसे डिलीवर करोगे और कोशिश करो कुछ नए वर्ड्स भी डालने की कोशिश करो, अपनी वोकेबलरी भी इम्प्रूव करो, सिनोनिमस ढूंढने की कोशिश करो कि स्टोरी में इस वर्ड को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। स्टोरी आपको पहले से पता है, मीनिंग आपको पहले से पता है, मैसेज आपको पहले से पता है, तो आपकी दिमाग उधर नहीं लगेगा, इंग्लिश पे आप फोकस कर पाओगे, इसको इम्प्रूव कर पाओगे। सो ये 5 टिप तो आपकी हेल्प करेगी इंग्लिश सीखने में, लेकिन इसके अलावा अगर आपको वोकेबलरी नहीं आता तो भाई इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वोकेबलरी वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप पहले दिन से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो इस पर मैंने एक कोर्स शुरू किया है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा 4000 वोकेबलरी वर्ड्स। अगर आपको भी वोकेबलरी सीखना है और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें जिससे आप और भी बढ़िया वोकेबलरी वर्ड्स जान सकते हो।